फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी मैं जा रही हूँ किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने। आज हम बना रहे हैं पानी पूरी। इस लॉकडाउन में मैंने एक भी दिन पानी पूरी नहीं खाई और मैं पानी पूरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी। तो आज हमने बाहर से मंगाई है पूड़ियाँ, पानी और जो मीठा पानी है वो हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ उसकी शेयर करती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे और किसने किसने पानी पूरी को बहुत मिस किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है ऑलमोस्ट तब से मैंने पानी पूरी खाई नहीं है। बाकी तो और भी बाकी सब डिशेस तो घर पे बना ली थी पर पानी पूरी हमने नहीं बनाई। तो आज फाइनली मैं बना रही हूँ पानी पूरी का पानी और मीठा पानी और रगड़ा जो वाइट मटर होते हैं उसका। और पूड़ी अभी आएगी रेडीमेड और दीयू अभी उठ गया है। चलते हैं किचन में क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पानी आ जाएगा। इसके लिए पहले थोड़ा खाने का प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर दूध गर्म करने को रख के आई हूँ। सो और इवनिंग में रात को और सुबह तो ये लोग हल्दी वाला दूध नहीं पीते हैं तो इसके लिए मैं अभी शाम को पिला देती हूँ। अब इसके पापा भी शॉप से आएंगे तो उनके लिए भी हल्दी वाला दूध उनको भी दे दूँगी और थोड़ा मैं भी पी लूँगी और फिर उसके बाद पानी पूरी का प्रिपरेशन करते हैं। मैंने इमली और खजूर को साफ़ करके आई हूँ। अभी उसे गैस पे बॉईल करने को रखती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। इसमें मैंने डाला है हल्दी और काली मिर्ची का पाउडर। तो अभी ये बॉईल हो जाएगा फिर हम सब पियेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये खजूर और जो इमली है उसके सबके बीज निकाल कर रख दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी और फिर वॉश करने के बाद ये देखिए इसे मैं अभी रखूँगी गैस पर बॉईल करने के लिए। क्यों इसे इतना बॉईल करना है कि जब तक ये थोड़ा गल जाता है। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। आप इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं तो भी इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो चलिए अभी इसे हम अच्छे से बॉईल करते हैं। और मैं इसमें इसके साथ बॉईल करते टाइम में इसमें डाल रही हूँ 1 कप शक्कर। एक्चुअली ये गुड़ में भी बना सकते हैं पर अभी गुड़ नहीं था तो मैं शक्कर में बना रही हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। गुड़ डालना हो तो भी आप इसी स्टेज पर गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी गल गया है। अब मैं इसे एकदम ठंडा करेंगे। इसे गरम गरम नहीं पीसना है नहीं तो ये पूरा उड़ जाएगा। तो इसे अभी पूरा ठंडा होने का रखते हैं। तब तक हम तीखे पानी के रेडी करते हैं। तो यहाँ पर ये तीखे पानी के लिए जो धनिया और पुदीने को हमने धो के ले लिया है। अच्छे से वॉश करना है इसको 2 बार। इसका जो भी कचरा मिट्टी है सब निकल जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने ये तीखी वाली ऐड की क्योंकि तीखा पानी तीखा नहीं हो तो फिर उसका मज़ा नहीं आता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। ये तीखे पानी है और ये यहाँ पर डाल रही हूँ सेका हुआ जीरा और मैंने डाला है सौंफ। तो इस रेसिपी से आप एक बार बना कर देखिए आपको बहुत अच्छी लगेगा पानी। तो इसमें अभी इसे हमें ग्राइंड करना है और अभी इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट से ये ग्राइंड कर इजीली हो जाता है। तो अब इसे हम ऐड करेंगे सॉल्ट और 2 मिर्ची रखी है अगर ज़रूरत हुई तो हम फिर बाद में ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए अब ये ग्राइंड कर रहे हैं हम। ग्राइंड करने के बाद इसे है ना एकदम फाइन पेस्ट बनाना है हमें। ये देखिए ग्राइंड हो गया। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना लिया इसे अब। और इसे अब हम ऐड करेंगे पानी में। तो आप पानी आपके हिसाब अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी लिया है जिसमें ये ऐड कर रहे हैं। आप पहले थोड़े पानी में ऐड करिए। अगर आपको लगे और पानी का ज़रूरत तो आप पानी ऐड करें नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 लीटर पानी में ये पेस्ट ऐड कर लिया है। और अब इसके बाद इसमें हम दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें पहले तो ये जो इसका मिक्सी के जार में काफ़ी लगा हुआ है तो उसमें पानी डालकर वो सब मसाला ले लेते हैं। वेस्ट क्यों करना भाई। तो ये ले लिया हमने। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये ऐड कर रहे हैं हम जलजीरा। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो हम यहाँ पर 2 पैकेट जलजीरा ऐड कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1.5 लीटर से ज़्यादा ही है पानी तो हम 2 पैकेट जलजीरा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक जो ब्लैक सॉल्ट होता है
वो उसका जो फ्रेग्रेंस आता है वो बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी पूरी का मसाला। ये सब आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच में एक दो मिर्ची के टुकड़े रह गए, कोई नहीं, वो निकाल देंगे हम बाद में। अगर आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, और ऐसे ही चाहिए तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने छाना नहीं है क्योंकि हमें ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा पानी पूरी का रेडी, पानी रेडी है और ये इमली भी ठंडी हो गई है। तो इसे अब मैं ग्राइंड, पहले जो इसका एक्स्ट्रा पानी है सब मैं छान कर अलग कर रही हूँ, और जो पल्प है उसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ। तो इजी रहेगा ग्राइंड होने में, और ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है फिर ही ग्राइंड करें। तो ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे एकदम फाइन पेस्ट मैंने ग्राइंड किया है। अगर पानी का ज़रूरत हो तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसे फिर से एक बार छान ले, जो इसका कचरा वगैरह कुछ भी होगा तो वो सब निकल जाएगा। और अब मैं इसे फिर से बॉईल करूँगी, और इसमें भी जो मसाले ऐड करने हैं वो सब मैं करूँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, अगर आप अखा धनिया पसंद करते हैं तो आप अखा धनिया भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है काला नमक, और इसके साथ ये डाला है मैंने जीरा और वाइट नमक ऐड करेंगे। जो हम रेगुलर खाने में खाते हैं वो सॉल्ट ऐड करेंगे। और बस ये हम अभी इसे हम अच्छा बॉईल करेंगे। इसे दो तीन उबाले आए, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे बॉईल करें। और अगर आपको लगे कि शक्कर कम है, इसमें मुझे थोड़ा फीका लगा तो मैं इसमें और शक्कर ऐड कर रही हूँ, तो आप इसे शक्कर ऐड कर लिया मैंने। और इसे फिर से बॉईल करें, और इसे जब तक दो तीन उबाल आने तक अच्छे से बॉईल करें, जिससे इसका गाढ़ापन भी आ जाएगा और ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। इसे फ्रिज में स्टोर कर ले। और ये देखिए हमारा पानी पूरी का प्लेट, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाने बैठ गए हैं। और पानी पूरी को अगर ऑनियन के साथ खाया जाए तो इसका टेस्ट और ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले पूरी मैं आप लोग के लिए भर रही हूँ, तो पहले आप लोग खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और इतने दिनों के बाद पानी पूरी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये सबसे फर्स्ट जो पूरी है ये आप लोग के लिए, देखिए आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ पानी पूरी। दीव को मैंने खाना खिला दिया है, अब मैं खा रही हूँ पानी पूरी। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।